नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी को दोबारा संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। सोनिया ने कहा है कि देश के 12 करोड़ वोटरों का कांग्रेस का साथ देने के लिए शुक्रिया। वहीं राहुल ने कहा, हमें आक्रामक रहना होगा और हम इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 52 सांसद इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे। तो यानी कि इससे साफ है कि आने वाले सत्र में आक्रामक रुख अपनाएगी कांग्रेस। और जिस तरह से पिछले भी दिनों देखा गया है कि कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाती रही है, राहुल गांधी समेत तमाम जितने भी कांग्रेसी नेता रहे हैं संसद में, जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, तो आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो सरकार को नए सत्र में घेरने की कोशिश करेगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन होगा विपक्ष का नेता, ये तमाम तरह की बातें आगे जाकर के तय होंगी। सोनिया गांधी को अधिकृत किया जा सकता है विपक्ष का नेता चुनने के लिए। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरह से खबरें अंदर से आ रही है बाहर, उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में भी अपने रुख को बरकरार रखेगी कांग्रेस और आक्रामक रुख ही बनाए रखेगी सरकार के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भाषण दिया है राहुल गांधी ने 25 तारीख को, जो CWC की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं, और उसके बाद से तमाम ऐसी खबरें आने लगी कि कांग्रेस टूट गई है, बिखर गई है, बहुत गम का माहौल है। और उसके बाद जब दो दिन पहले ये खबर आई कि कांग्रेस किसी भी मीडिया के बहस में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी, तो ये कह लिया गया, मान लिया गया था कि कांग्रेस एकदम चुप्पी साध कर बैठ गई है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना बहुत संक्षिप्त लेकिन दमदार भाषण दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनों के ऊपर संविधान को बचाने की चुनौती है और हर एक जो 52 सांसद है वो एक एक इंच की लड़ाई लड़ेगा। तो जो आक्रामक तेवर हमें देखने को मिले थे राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, वही तेवर बरकरार रखने की कोशिश है, कम से कम ये दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस ने हथियार नहीं डाले हैं। और 5 जुलाई से जो लोकसभा का सत्र होगा उसमें कांग्रेस फिर एक बार उसी ताकत से, उसी जोश से नजर आएगी। तो ये संदेश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दे दिया है। सोनिया गांधी को CPP का नेता चुन लिया गया संसदीय दल का, और उन्हें ये अधिकृत कर दिया गया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, इसका चयन सोनिया गांधी करें, क्योंकि ये कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी शायद इस पद के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आनंद, जिस तरह से फिर से एक बार सोनिया गांधी को चुना गया है कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर, ऐसे में ये लग रहा है कि एक बार फिर से वाकई क्या कांग्रेस के सामने और कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी जो इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, लेकिन उसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बीच सोनिया गांधी को एक बार फिर से चुन लिया गया है कांग्रेस संसदीय दल का नेता। अब आगे रणनीति उनकी क्या होगी, ये तमाम बातें, विपक्ष का नेता कौन होगा, ये तमाम चीजें आगे तय होंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।